इस क्वेश्चन में आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका सम फाइंड आउट करना है, और जो सम फाइंड आउट करने पर वेक्टर आएगा उस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर बताना है। आपको सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको दे रखा है ए वेक्टर 2i+2j-5k, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i+j+3k। इन दोनों वेक्टरों को सम कैसे करेंगे? सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लेता हूं इन दोनों वेक्टरों का सम जो है वो सी वेक्टर है, और सी वेक्टर कैसे लिख रहा हूं मैं? a वेक्टर + a वेक्टर + b वेक्टर। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? सी वेक्टर हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे, पहले लिख लें इसे 2i+2j-5k प्लस 2i+j+3k। एक कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टरों को कैसे ऐड करते हैं कि आई के साथ आई वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, ये नंबर इसके साथ ऐड हो जाएगा, यदि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता तो आई के साथ आई वाला नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जे वाले के साथ जे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और के साथ के वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि ऐड करना है तो आई के साथ आई वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, जे के साथ जे वाले नंबर ऐड होंगे, और के साथ के वाले नंबर सिंप्लीफाई होंगे या ऐड होंगे। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4i। तो आपके पास सी वेक्टर क्या बन जाएगा? सी वेक्टर बन जाएगा 4i। 2j और j आपके पास कितना हो जाएगा? ये 3j हो जाएगा, और -5k और +3k, -5 + 3, माइनस का 2k आएगा, तो आपके पास ये सी वेक्टर आया। वो कह रहा है कि जो सम आता है वो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस। इन दोनों का सम निकाल लिया, इस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर बताइए। अब हमें सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है। इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा कि इस सी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सी इज रिप्रेजेंट बाई सी कैप, और सी कैप कैसे लिखते हैं हम? सी वेक्टर को यदि उसके मैग्नीट्यूड से क्या करें? डिवाइड करें। सी वेक्टर सी कैप आ जाएगा आपके पास, ये कितना है आपके पास सी वेक्टर? सी वेक्टर है 4i+3j-2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट दिस स्क्वायर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कि i, j और k के जो कोफिशेंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16, 9, और ये आपके पास 14, 4, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये 29 आएगा। आप इस सी कैप को लिख सकते हो 4/√29, 4/√29i प्लस 3/√29j माइनस 2/√29k। ये आपके पास इन दोनों वेक्टरों का जो सम है उस वेक्टर का क्या निकाला है आपने? यूनिट वेक्टर निकाला है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे कॉपी कर लीजिए।